नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप भी योग शुरू करने का सोच रहे हैं मगर उलझन में हैं कि कहां से सीखें और कैसे शुरू करें, तो आप एकदम सही क्लास में आए हैं और मैं तहे दिल से आपका इस क्लास में स्वागत करती हूं। दोस्तों, योग में कई सारे लेवल्स होते हैं। जब मैंने योग शुरू किया था तो मेरे टीचर, मेरे गुरुजी ने सबसे पहले मुझे सिखाया था खड़ा होना, कैसे बैठते हैं, अपनी स्पाइन को कैसे तंदुरुस्त रखते हैं। तो आज की क्लास में हम फोकस करेंगे अपने जोड़ों के ऊपर, अपनी मांसपेशियों के ऊपर और अपने पोश्चर, यानी कि कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं उसके ऊपर। ये आज का सेशन बच्चे और बुजुर्ग सब लोग कर सकते हैं और ये होने वाला है एकदम सिंपल। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं आज हम योगा का पहला दिन। तो चलिए, जैसा मैंने बोला था, हम सबसे पहले सीखेंगे खड़ा होना। तो आज हम सीखते हैं तड़ासना समस्थिति, इसको माउंटेन पोज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे पाँव पे ध्यान दीजिए। ये देखिए, उंगली उठा करके इस तरीके से आप अपने पाँव को पहले अच्छे से फाउंडेशन बिठाते हैं, ठीक है। और फिर अपनी एड़ी को ऊपर और फिर रखते हैं नीचे। मैं आपको साइड से दिखाती हूँ। देखिए, अब हमने देखा सामने। कुछ हम लोगों की आदत होती है कि हिप्स को हम थोड़ा सा पीछे खड़े होके करते हैं, जब हमारा बैक, ये वाले मसल्स जब वीक होते हैं, तो हम लोग ये सबसे पहले अपनी कमर को अंदर की तरफ खींच के, जो हमारे हिप मसल हैं, पहले उनको टाइट करें अंदर की तरफ। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे पोस्चर ये ठीक होना चाहिए। जो हमारे नी हैं वो एकदम टाइट और एक्टिव, पैर अच्छे से ज़मीन में जमे हुए और चेस्ट ऐसे बाहर, और फिर शोल्डर, एक इनहेल करें और पीछे शोल्डर ब्लेड्स को खोलें और दोनों हाथों की उंगलियां इस तरीके से खुली हुई, फिर इनको कर दें एकदम सामने, और सामने देखते रहें। चिन ऐसे या ऐसे नहीं रहेगी, ये सामने देखेगी। इस तरीके से हम खड़े होते हैं माउंटेन पोज में। ये है ताड़ासना समस्थिति और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ आसन जो हम बैठ के करेंगे। तो चलिए योगीज, अब हम कुछ आसन बैठ के करेंगे, लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने पहले बताया था, हम पोश्चर को थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो देखिए, मैं साइड से दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये होता है हम रेगुलर जो बैठते हैं, क्योंकि हम बैठते हैं पीछे फ्लैश पर। जो हमारा हिप बोन होता है, जो नीचे हड्डी होती है, अगर हम उस पर बैठें तो हमारा पोश्चर काफ़ी ठीक होगा। उसको ठीक करने के लिए आप थोड़ा सा अपने हिप को एडजस्ट करें, ये फ्लैश यहाँ से थोड़ा सा लिफ्ट करके और बैठें उसके ऊपर इस तरीके से। चाहे तो एक छोटा टॉवल भी रख सकते हैं ये। और उसके बाद जो हमारी चेस्ट है वो ऊपर की तरफ आनी चाहिए और ये जो बैक होगी थोड़ा सा वेट पीछे, ठीक। अब मैं चेस्ट पे थोड़ा सा उसको खोलूँगी और फिर एक बार गहरी सांस लेके अपने कंधों को करूँगी सीधा। सामने देखें, ये क्रॉस लेग पोजिशन है, ये सही तरीका होता है बैठने का। इसी पोजीशन में मैं सामने से आपको इस तरीके से दिखाई दे रही हूँ। पूरे टाइम मैं इस तरीके से बैठती हूँ जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी रहती है एकदम सीधी। तो अब हम करेंगे योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास। इसमें हम लोग आंखें बंद करके रिलैक्स हो जाएंगे एकदम, शोल्डर्स को एकदम खुला छोड़ देंगे। आँखें बंद कर लें और लें एकदम गहरी सांसें। योगिक ब्रीदिंग का मतलब होता है अवेयर ब्रीदिंग। मैंने अंदर सांस भरी, सांस फिर अंदर, देखना आपकी बॉडी एकदम फूल जाएगी और सांस बाहर आते ही बॉडी थोड़ी छोटी हो जाएगी। ये प्रॉपर मूवमेंट है। फिर से अंदर सांस भरें, हल्के से आंखें खोल दें। इतना करके थोड़ा सा हम रिदम अपना बॉडी का ठीक कर रहे हैं, पोश्चर ठीक कर रहे हैं और उसके बाद हम आगे अभ्यास में बढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले करते हैं गर्दन की एक्सरसाइज, जिसके लिए हम सामने देखेंगे और इनहेल करेंगे, अंदर एक सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए गर्दन को लेके आए एकदम नीचे, ठीक है। कंधे रहेंगे सीधे, एकदम नीचे ले आए और जो हमारी चिन है उसको अपने चेस्ट पे चिपका दें,
अब इनहेल करके जाएं अपने लेफ्ट साइड में, सामने की तरफ देखें, फिर इनहेल करें, एक्सहेल करके वापस, इनहेल करके राइट साइड पे और फिर एक्सहेल करके वापस आ जाएंगे। कंधे सीधे रखने, इनहेल करें, अब ऊपर जाएं, और अब एक्सहेल करेंगे अपने माउथ से। पूरा नीचे तक जाएं, इनहेल करके आँख खोल लें। चलिए अब थोड़ी सी कंधे की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ आगे निकालें, एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते वक्त राइट वाले हाथ को लेके आएं लेफ्ट वाले के ऊपर और ऐसे कर दें फोल्ड। ईगल आर्म पोज बोलते हैं इसको, और यहाँ पर थोड़ा होल्ड करें। एक सांस भरते हुए देखो चेस्ट को थोड़ा ऊपर रखें, हाथ आपका एकदम सीधे रहेगा। एक इनहेल करें और एक्सहेल करके हाथ सीधे। मैं जो सांसों का रिदम बता रही हूँ वो ज़रूर फॉलो करें। सांस अंदर लें और एक्सहेल करके फिर अपने आर्म्स को कर दें फोल्ड। ईगल आर्म पोज, शोल्डर सर्वाइकल पेन जिनको होता है वो ये वाला एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर से एक अंदर सांस भरें और एक्सहेल करके कर दें अनफोल्ड, हाथ नीचे वापस। अब हम करेंगे सीटेड कैट काउ, जिसमें हम अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा लचीला और रिलैक्स करेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को आगे ले आएं, ठीक है। अब हम इनहेल करेंगे, पूरे हाथ खोलते जाएं जितना मैक्सिमम आप खोल सकते हैं, और सर भी जाएगा ऊपर और सीलिंग की तरफ देखें, छाती एकदम आगे पुश कर दें और एक्सहेल करके आएं वापस इस तरीके से, गर्दन नीचे की तरफ, हाथ दोनों यहाँ पे। फिर इनहेल करें और हाथ फिर से पीछे, सिर्फ दो बार करेंगे, ये रीढ़ की हड्डी के लिए अच्छा है। सांस छोड़ें, मजबूती देता है। आंखें चाहें तो बंद कर लें इस एक्सरसाइज में, जितना फील करेंगे उतना अच्छा। इनहेल करके दोनों हाथ ऊपर और फिर इनको नीचे लेके नमस्कार आसन पे यहाँ पे ख़त्म करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, दंडासन में बैठेंगे अब हम। दंडासन तो बहुत अच्छा है हमारी हड्डी के लिए, पीछे बैक के लिए। देखिए अपने दोनों पैरों को आगे सीधा निकाल के बैठ जाना है, कमर एकदम सीधी रख लेंगे। अब देखिए शुरू में ना थोड़ी दिक्कत होती है दंडासन में, हर कोई नहीं बैठ सकता जैसे जिस तरीके से आसानी से मैं आपको दिखा रही हूँ। शुरू में मुझे भी दिक्कत होती थी। ये हाथ ले जाएं पीछे और थोड़ा सा सहारा ले लें यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो मेरे दो पैर हैं इससे हम करेंगे पादांगुली नमन। हम एक एक जोड़ों पर काम करेंगे, तो मेरी उंगलियों पर ध्यान दीजिए। इनहेल करके मैं उनको खोलती हूँ पीछे की तरफ और एक्सहेल करके ये करते रहिए ऐसे। ऐसे करिए और अब करेंगे हम गुल्फ नमन, यानी कि दोनों पंजे दो हमारे पैर हैं उनको पीछे ले जाएं सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे। दोनों पैरों को साथ में रखें, इनहेल। जिन लोगों को घुटनों में दर्द होता है वो ये एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे, अच्छे से करेंगे। इनहेल करें फिर, अच्छा यहाँ पे आके हल्का सा एक छोटा सा होल्ड लें, फिर सांस छोड़ें और सामने की तरफ जितना मैक्सिमम हो वहाँ तक ले जाएं एंड फिर वहाँ पे हल्का सा होल्ड दें एंड फिर आ जाएं वापस। ये जो हमारे मसल हैं, ये काफ मसल्स हैं, ये स्ट्रांग होते हैं। इससे मैं आपको ये भी बता दूं, हर एक छोटी एक्सरसाइज हो सकता है आपको देखने में लग रहा हो कि कितनी इजी है, पर ये है बेसिक क्लास, मैंने भी यहाँ से ही शुरू किया था। अब हम करेंगे गुल्फ चक्रा, यानी कि अब हम चक्कर लगाएंगे ऐसे दोनों पैरों को साथ में रख के। घुटनों के दर्द के लिए तो बहुत ही अच्छा है,
ठीक है, अब देखो सांस भरते हुए ऊपर की तरफ आ रहे हैं और एक्सहेल करते हुए बाहर। सेम चीज दूसरी तरफ कर लें, एक अंदर भरें सांस पहले और एक्सहेल, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, आप सहारा ना ले अगर आराम से दंडासन में बैठ सकते हैं, ये देखिए ऐसे चक्कर लगाते रहें आराम से, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मैं बता रही हूँ इमीडिएटली आई कैन फील इट। ओके, तो अब ये मैंने पैर कर लिया अपना फोल्ड, अब ये कहलाता है जानू नमन, नी बेंडिंग एक्सरसाइज है। दोनों हाथों को ले लिया अपनी नी के अंदर, चेस्ट देखिए मेरा बाहर रहेगा। अब दूसरा जो पैर है उसको रखें एकदम एक्टिव, ये देखिए ये ऐसे हो जाएगा थोड़ी देर में पैसिव, लेकिन ये है हमारी एक्टिव स्थिति जहाँ पे हमारा दूसरा पैर भी एकदम एक्टिव रहेगा। अब इनहेल करके ऊपर ले जाएं नी को और एक्सहेल, बिल्कुल पुश ना करें खुद को, बहुत आराम से लें, सबसे पहली क्लास है ये, सिर्फ और सिर्फ जॉइंट्स पे काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, और वही आज का हमारा मोटिव है। ये देखिए बस हल्के हल्के लेके जाएंगे। अब घुटनों में जो लिगामेंट और टेंडन्स होते हैं जो हमारे घुटनों को जोड़ता है, आपको चटकने की आवाज़ भी आएगी क्योंकि ये उन्हीं मसल्स पे काम कर रहा है। हल्के से ले जाएं अपने पैर को वापस, सेम चीज़ करते हैं दूसरे वाले पैर के साथ, फिर से अलाइन करें, चेस्ट बाहर, दूसरा पैर पैसिव नहीं होगा, एक्टिव रहेगा। ये देखिए फिर से निकालिए अपनी छाती को बाहर की तरफ और एकदम गर्दन सीधी, इनहेल। अभी हम कोई काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी सिंपल सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं इनको हम, वार्म अप एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, सिंपल अपने शरीर को बस गर्मी दे रहे हैं, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं योग में आगे बढ़ने के लिए। बट यहाँ से शुरू करेंगे तो दिक्कत कम होंगी, चोटें कम आएंगी और परेशानी कम होगी, क्योंकि योगा लॉन्ग टर्म के लिए है, दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग। अब आ जाइए नीचे और दोनों नी वापस, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दोनों हाथों को ले आइए आगे, इस तरीके से दोनों हाथों को पकड़ेंगे, इनहेल करेंगे, पहले पीछे जाएंगे और फिर एक्सहेल करके यहाँ तक, जहाँ तक हमारे अंगूठे हैं वहाँ तक आने की कोशिश करें और फिर जाएं पीछे, इनहेल करते हुए पीछे और एक्सहेल करते हुए आगे और एक्सहेल। बिल्कुल प्रेशर ना दें, जितना आराम से हो सकता है उतना ही आराम से करेंगे। इनहेल करें, आराम से, और दोनों हाथ वापस। अब बैठेंगे वज्रासन में, इस पैर को फोल्ड करें, इस पे वजन को ट्रांसफर करें और फिर आ जाएं दूसरी साइड पे और आप सांस भरें। चलिए अब हम करेंगे बालासन। अब अपनी जांघों को खोल दें इस तरीके से, थोड़ा सा मैं पीछे चले जाती हूँ क्योंकि कैमरे में फिर वो आसानी से आपको दिखाई देगा, मैंने अपनी जांघों को खोल दिया है पहले, ठीक है। अब मेरे जो दोनों हाथ हैं वो साइड में मैं लेके आई हूँ, एकदम स्ट्रेट देखें, इनहेल करें और फिर एक्सहेल करके देखिए सिर्फ हाथ जा रहा है, मेरा बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, मेरी हड्डी रीढ़ की एकदम सामने, फिर दोनों पंजों को कर दें मैट के सामने, हाथ ऐसे नीचे लेते जाएं, सांस छोड़ते हुए हम ये काम कर रहे हैं, और दोनों हाथों की उंगलियां इस तरीके से मैट पे, देखिए रीढ़ की हड्डी इस तरीके से मुड़ेगी नहीं, ये रखनी है एकदम सीधे, सामने देखते रहें, फिर अपने दोनों हाथों से इस तरीके से वॉक करें, ये हमारी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करता है, जितना मैक्सिमम आप जा सकते हो, एक पॉइंट के बाद आपको लगेगा कि अब आप आगे नहीं जा रहे हो, तब अपने उंगलियों को रख दें नीचे इस तरीके से और सर भी धीरे धीरे नीचे जाएगा। देखिए पर मैंने अपनी रीढ़ की हड्डी को कहीं पर भी मोड़ा नहीं है, आंखें बंद करके माथा एकदम मैट के ऊपर टच रहेगा और यहाँ पे उतित बालासना एक्सटेंडेड चाइल्ड पोज में एकदम रिलैक्स करेंगे।
आंखें एकदम बंद रहेंगी। थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड लें। इनहेल करके पहले सर ऊपर उठाएं, फिर उंगलियां इस तरीके से, और फिर वॉक बैक करें, जैसे वापस जैसे गए थे उसी तरीके से वापस आएंगे। देखिए रीढ़ की हड्डी पे विशेष ध्यान, आपको कैमरे में अच्छे से दिख रहा होगा, सामने रखें सामने रखें, फिर हिप आ गए नीचे, फिर इनहेल करें, अंदर सांस भरी और सांस छोड़ते हुए एकदम आ गए हम वापस। ये देखिए उंगली का सहारा लेके मैंने अपने दोनों पैरों को जोड़ दिया, ठीक है। एक जो शुरू में हम बैक बेंडिंग अब हम कर रहे हैं, तो एक हम भुजंग आसन भी कर लेते हैं। अब हम सामने इस तरीके से लेट जाएंगे। चलिए भुजंग आसन करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों हाथ रख लें एकदम अपने चेस्ट के सामने, ठीक है। अब आपके दोनों पैरों के पंजे आपस में जुड़े रहेंगे, उनमें गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा स्ट्रेच चाहिए तो दोनों को जोड़ लें और चिन को रख लें नीचे पहले, और हथेलियों को, ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, इनको जमा लें अच्छे से मैट पे, ठीक है। सामने देखिए, आई होप आप मेरे साथ कर रहे हैं, दोनों पैर जुड़े हुए। इनहेल करके सामने, सिर्फ इतना होल्ड करें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे आपको एक स्ट्रेच आएगा, ठीक है, इस जगह पे आपके लुम्बर वाले एरिया पे। सामने देखते रहें, थोड़ी गुंजाइश है तो हल्का सा ऊपर और जाएं। अब देखना आपके इस वाले हिप पॉइंट पर आपको प्रेशर आना स्टार्ट होगा, क्योंकि जितना मैं ऊपर जा रही हूँ उतना ही नीचे को प्रेशर। एक्सहेल करते हुए वापस। चलिए इसके बाद हाथों का सहारा, देखिए उठते भी कैसे हैं सही तरीके से वो भी मैं आपको बताती हूँ। हाथ यहाँ पे रखे, ठीक है, ऊपर आए, साइड में करवट ली, और आप आराम से उठ के आके इस तरीके से बैठ जाए। चलिए अब हम उठ के आराम से सुखासना में वापस आ गए हैं, और योग सेशन कंप्लीट ही नहीं होगा अगर हम थोड़ा सा प्राणायाम ना करें। तो चलिए हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे प्राणायाम के वीडियो को आप एक बार और देख लें अच्छे से, जिन लोगों ने नहीं देखा है। तो साथ में हम कुछ साइकिल करेंगे अनुलोम विलोम की, क्योंकि जब पूरा योग का अभ्यास करते हैं उसके बाद हमें रिलैक्सिंग इफेक्ट और खुद को शांति देने के लिए थोड़ा प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए करते हैं साथ में अनुलोम विलोम। लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, एक हाथ हमारा यहाँ पर रेस्ट करेगा वायु मुद्रा बना के, और हम शुरू करते हैं। चलिए लेफ्ट वाले से इनहेल करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके एक्सहेल करें राइट नॉस्ट्रिल से। इनहेल करें राइट से, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर। चलिए अब थोड़ा और करते हैं, प्राणायाम में कोई स्ट्रेन नहीं देना है, एकदम गहरी गहरी सांसें लेनी है। एक लास्ट और करेंगे, इनहेल एक्सहेल फ्रॉम द राइट, सीधे वाले से फिर अंदर, और लेफ्ट वाली नासिका यानी कि नॉस्ट्रिल से बाहर। उल्टे से शुरू, उल्टे पे खत्म। दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ साथ में लाके अच्छे से रब करें, चेहरे पे अच्छी सी स्माइल। खुद के लिए कुछ जब हम करते हैं तो हमें खुशी होनी ही चाहिए। चलिए अपनी आंखों को थोड़ा सा प्रेस करें पीछे गर्दन पे। चलिए मैं आपसे फिर मिलती हूँ। शुक्रिया मुझे अपना समय देने के लिए। नमस्ते।